आज एससी एसटी ओबीसी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी किसी की पिटाई हो रही है, कहीं भी बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही, तो इन सबको रोकने के लिए क्या करा जाएगा? उनको रोकने के लिए सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। दलित और मुस्लिम जब तक एक नहीं होंगे, ये ताकतें हैं जो बहुत ही जहनी गंदी जहन रखने वाली ताकतें हैं, जो हमको अपना गुलाम समझती हैं। ये समझते हैं कि हम उनकी पैर की जूती हैं, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि जूती जिस वक्त सर पर पड़ना शुरू हो जाती है, तो दिमाग के सारे कीड़े नाक के जरिए बाहर आ जाते हैं। इसलिए अपनी ताकत को अब हमने जान लिया है और हम हिंदुस्तान से अब उसी वक्त हिंदुस्तान में उसी वक्त चैन से बैठेंगे, दलित और मुस्लिम, जब तक हम उनको सबक कर सकें। 2019 के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, आने वाले समय के अंदर आप किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? भाई जो हमारे लिए और हमारे दलित भाइयों के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं और उसका साथ देंगे। चाहे वो कोई भी हमारी बहन मायावती अगर निकल के आती है काम करने के लिए, काशी राम जी ने इस तरह से मुल्क में हम एक साथ एक जोड़ने का काम किया था, अगर बहन मायावती इस तरह का काम करेंगी तो हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। बहन कुमारी मायावती सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ रखती हैं हमेशा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे थे शशीबुद्दीन सिद्दीकी साहब, और उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यरत करे, तो बहन जी का सभी पार्टियों से कहीं ज़्यादा बहन जी मुस्लिम को बहुत ज़्यादा अपनी अपना माननी है। मैं नसीम सिद्दीकी साहब के बारे में आपको बता दूँ, देखिए ऐसे दलाल कई एक जगह मिल जाते हैं, ये हमारी पार्टी के अंदर हमारे कौम के अंदर ये इस तरह के, चाहे वो दूसरी कौम के हों चाहे हमारी कौम के हों, दलाल हर जगह होते हैं। ये नसीम सिद्दीकी साहब ने बेमानी करी हमारी बहन जी के साथ, उनको उन्होंने पूरा भरोसा, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नसीम सिद्दीकी साहब को दे दी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह पैसों को लेकर 400 किसी का मामला करा, पहले मायावती जी ने उनको बाहर का दरवाजा लगाया, आपने उनका नाम लिया, जिसने मैंने ये बात कही थी आपसे। हाजी शाह जी, जिन्होंने अपने बताया कि बहुजन समाज के साथ मुस्लिम वोटर भी बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहा है, और 2019 के अंदर बहन जी अगर मुस्लिमों को थोड़ा सा भी समर्थन करती हैं तो पूरा मुस्लिम वोटर उनके साथ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया बहुत।